खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को मतलब की राजनीति करने वाला और मोदी और योगी के शासन को राम राज्य बताया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी का है, जिन्होंने विपक्ष को वीडियो के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया है। नमस्कार, मैं देवमणि द्विवेदी, भाजपा विधायक लम्हुआ, आप सभी के सम्मुख इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाल में घटित कुछ एक घटनाओं, जैसे हाथरस की घटना, राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की घटना, पालघर में संतों की हत्या आदि को देखते हुए कुछ कहने की अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। विपक्षी पार्टियों के मुद्दे उठाने का मानक क्या है, ताबीज क्या है? वोट है, मत है, मतलब है। वह लोग मतों के मतवाले हैं, मतलब के मतवाले हैं, न कि देश के, न कि जनगणमन के। उन्हें वेदना, संवेदना, न्याय चेतना से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी ताबीज या मानक है जनादेश, जनगण मन, अंतिम व्यक्ति का उदय यानी अंत्योदय, सबका साथ, विकास और विश्वास। और हाँ, दो चीजें और हैं उसमें, जीरो टॉलरेंस और टोटल ट्रांसपेरेंसी। हमारा लक्ष्य है सेवा का, सत्ता तो उसका बाई प्रोडक्ट है। हम कभी सत्ता को लक्ष्य नहीं बनाते हैं। यह पब्लिक है, सब जानती है, सारे चेहरे पहचानती है। विपक्षी मुद्दे उठाने के पहले पीड़ित के और दुष्कर्मियों के धर्म, समुदाय एवं संप्रदाय का विश्लेषण करते हैं, माप तौल करते हैं और यह एक अंदाजा लगाते हैं, आगणन करते हैं, एस्टीमेट करते हैं कि इस मुद्दे को उठाना उनके मतलब का है, उनके मत का है कि नहीं। हमारा लक्ष्य इससे एकदम अलग है। हर दुर्घटना दुर्घटना है, सभी हमारे लिए बराबर हैं। इसीलिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथरस की घटना का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। आप देखिए, मंशा साफ है कि टोटली ट्रांसपेरेंट जांच पड़ताल हो, और जैसी मंशा वैसी ही अनुशंसा। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी के राम राज्य में न्याय की ही विजय होगी। भाजपा की राजनीति तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, यह जनसंतुष्टिकरण की नीति है। वंदे मातरम, वंदे भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद।